नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर पटना से। पटना के वार्ड नंबर 36 के पूर्वी लोहानीपुर की जनता ने बताया कि सड़क सन 1998 के बाद अभी तक न सड़क को बनवाया गया है। वहां के वार्ड पार्षद दीपक कुमार ने चुनाव जीतने के बाद ना ही सड़क का नालीकरण करवाया है, ना ही एक बार देखने आए। बगल में बाकीपुर नगर निगम, मगर वहां पे भी कोई भी अधिकारी नहीं देखने आए। वहां जनता ने बताया कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से भी गुहार लगाया था, मगर कुछ नहीं विकास हुआ। जनता ने बताया कि यहाँ रात में और बरसात के समय महिला हो या जवान, सबको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं वहां के व्यवसायों को भी अपनी दुकान चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग अब इस गली से जाना छोड़ दिए हैं, इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पटना में कई दावे किए जाते हैं कि पटना नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद रहती है और तमाम सड़क नली गले जो हैं वो पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिए गए हैं। 2022 का जो आंकड़ा था, जो पटना को स्वच्छ बनाने का जो आंकड़ा था, पटना की पूर्व मेयर सीता साहू ने कई दावे किए और उनका कार्यकाल पिछले माह खत्म हो गया। हालांकि पटना नगर निगम लगातार दावा करता है और इसका पोल इस बार वर्षा में खुल गया। हालांकि अभी हम पटना के ईस्ट लोहानीपुर में मौजूद हैं। यहां के नगरवासी काफ़ी दिनों से समस्या में हैं, क्योंकि ये समस्या यहां की नली या गली को ही लेकर है। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्यों परेशान हैं? सर, यहां का प्रॉब्लम ये है कि बरसात तो बरसात, आए दिन भी काफ़ी नालों का जमाव होता है, जिसके कारण गाड़ी आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, अब इसमें हम क्या हम बताएं यहाँ के नगर निगम वालों लोगों को कि अप्लाई करते करते, खबर करते करते भी हम लोग परेशान हैं। आपके बगल में ही बाकीपुर अंचल है नगर निगम का, और यहाँ पे कई बार सीता साहू भी आई हैं। वार्ड पार्षद यहाँ के कौन रहे हैं? वार्ड पार्षद तो सर दीपक कुमार है। क्या वो मतलब एक बार भी दर्शन देने नहीं आते? यहाँ तो एक बार भी इस एरिया में तो वो आते भी नहीं हैं कि हमारे वार्ड के लोग बीजेपी के एथी से लड़े थे और वो कुछ भी यहाँ कुछ होता ही नहीं, विकास करता ही नहीं, अपना जो जीते अपना जो अपना फंड लेकर के बैठ गए अपने घर पे। अच्छा। और कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं। तमाम नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं उनको विकास करने के लिए सम्मान किया गया था। उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था और वहाँ पे तमाम वार्ड पार्षदों को उनके विकास कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया था। तो क्या लगता है कि जो आपके वार्ड पार्षद हैं वो आपके एरिया के विकास किए? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बस ये जो कोरोना काल में बस ये बना करके दिए हैं, आधार का क्या बोलता है, कंट्रोल का राशन दिलवाए हैं केवल, बस वो ही। उसके बाद में और भी कुछ भी नहीं विकास हुआ है इस मोहल्ले में। वार्ड नंबर 36 से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 36 का दीपक कुमार हुए वार्ड पार्षद। आपका नाम? मेरा नाम हो गया कुणाल कुमार सहानी। इस जो गली है, आप महिला हैं इसमें, पूरा 25 साल से हैं यहाँ पर, एक साल से नहीं 25 साल से हैं। सब दिन ऐसी रहता है, का सामान का भादो का आसिन, कभी ही आदमी चढ़ के नहीं जा सकता। इतना इतना पानी हेल जाता, कौन जाएगा इसमें? है ये तो वोटा बन गया कि जान है, कोई चीज़ में तो यहाँ फायदे नहीं है। देखिए तो सगड़ो रोड बन रहा है, नाला बन गया, यहाँ कहाँ कुछ बन रहा है। तो ये लाइट वाइट भी लगा है? तो लाइट लगा तो क्या लगा, लाइट आधा जलता आधा जलता आधा नहीं जलता है। सगड़ो देखिए तो जग जग रहता है, यहाँ तो दम रहवे नहीं करता है। आज ना आज से हमको पैदाश ही क्या है, तो क्या है। उनको भी पथ निर्माण रहे उस समय भी जाके दिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन। एक बार तो आए, टेंडर हो गया, टेंडर हुआ तो कहाँ कुछ हुआ, नापी उपी सब कर लिया, नापी हम अपने नापी उपी भी हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ। वार्ड पार्षद से इसकी शिकायत की थी? हाँ, सब गोटे शिकायत किया। क्या की? यही सब की। देखिए नाला भी जाम रहता है, पानी जाम रहता है, पानी सप्लाई नहीं, गंदा पानी आ रहा है। वो तो एक बोरिंग हुआ है तो कम से कम लोग वहाँ से ला के पानी ले जाता है, घर पर पीता है, सप्लाई पानी साफ पानी नहीं आता है। बीजेपी के जिस तरीके से मंत्री रहे, तारकेश्वर प्रसाद नगर विकास मंत्री थे और उनके अंडर ये सारे चीज़ आते थे, और उन्होंने दावा किया था कि पूरे बिहार में ही नहीं पटना में भी अब पूरा स्वच्छ रहेगा, साथ ही साथ सड़क जो नली गली है वो भी साफ़ सुथरी रहेगी। और आपको विजुअल में दिखा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो है, किस तरीके से उसका जो पाइपलाइन है खुले में जा रहा है और लोगों को काफ़ी काफ़ी जो पीने में समस्या है। पॉज कीजिएगा।
आप विजुअल में देख रहे होंगे किस तरीके से जो नल है वो पाइपलाइन जो है पूरी तरह से खुले है और लोगों को काफ़ी समस्याएं होती। इस इलाके में काफ़ी छोटे वर्ग के लोग का भी रहना होता है और कई दुकानदार भी कई दिनों से परेशान हैं। आप लोग यहाँ के रहनिवासी हैं ना, क्या कुछ समस्याएं हो रही थी? यहाँ तो ऐसा समस्या है कि आए दिन भी पानी जमा रहता है और कभी नाला के लेके या बरसात को लेके एनी टाइम मतलब आम नागरिक को भी चलना मुश्किल है। ये थोड़ा सा मोटा बन गया तो इसी पे आदमी क्रॉस करके जाती है और नहीं तो फिर आने कितना आदमी तो इधर से रास्ता ही चेंज कर दिया। मतलब अच्छे लोग इधर से आते नहीं है, जो भी आते हैं फोर व्हीलर से ही आते हैं लेकिन उनको भी काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करके जाना पड़ता है। क्या कुछ बातें हुई, आप लोग वार्ड पार्षद के पास कंप्लेन किए, कितने बार गए और लगातार ये कब से सड़क बना है ये सब कुछ विस्तार से? ये 24 साल पहले सड़क बनी थी और वार्ड पार्षद के पास में हम लोग 4-5 बार कंप्लेन किए हैं मगर ऐसा कुछ योजना हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। केवल बस नापी उपी किया, उसके बाद में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि नाला साफ़ करवा दें या तो रोड साफ़ करवा रोड बनवा दें, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। फिर लगातार उनसे अनुरोध किए, आपके बगल में बाकीपुर अंचल है नगर निगम? बाकीपुर अंचल है तो बगल ही में वार्ड पार्षद का भी घर है, दीपक कुमार है उनका वार्ड पार्षद, बीजेपी।